मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट था राजवीर, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसने भी ये सब किया है ना, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर ना उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि लाइट कैसे चली गई है, फिर हम आगे का फुटेज देख लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि वो पैर किसके हैं, वो कौन था, है ना। पहले लाइट ठीक करते हैं, फिर आगे का सोचते हैं। चल पलकी, इट्स ओके। तुम लोगों ने नोटिस किया, मैं तो गेस्ट रूम के अंदर चला गया था, लेकिन जो इंसान गेस्ट रूम के बाहर आया था उसके शूज और मेरे शूज बिल्कुल अलग थे। राजवीर, आज मैं झूठ नहीं सुनूंगा तुमसे। सच सच बताओ कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, पहचान क्या है तुम्हारी, कौन हो बताओ, सबके सामने कौन हो तुम। सर आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? आप तो जानते हैं। मैं जानता हूँ कि कौन हो तुम, सब पता है मुझे, तुम मेरा खून हो। अगर आपको सब पता ही है तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे? और क्या कहा आपने कि मैं आपका खून हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर हूं भी तो बनना नहीं चाहता। राजवीर, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। शायद आप उल्टा बोल रहे हैं, आपकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, वो मैंने आपको खून दिया था ना, शायद आप इसलिए ये कह रहे हैं, राइट? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बाप बेटे के खून की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको खून दिया था, वो मैच कर गया, आपको उस वक्त खून की जरूरत थी तो मैंने अपना खून दे दिया, अगर मैं नहीं देता तो कोई और दे देता, व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील? शैल आई टेल यू व्हाट्स द बिग डील? तुम मेरे बेटे हो, दैट्स द बिग डील। तुम मेरा अपना खून हो, दैट्स द बिग डील। हम दोनों बाप बेटे हैं, दैट्स द बिग डील। तुम बचपन से खोए हुए आज मुझे वापस मिले हो, दैट्स द ब्लडी बिग डील। मेरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी डील है। You're asking me what's the big deal? Dad, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये राजवीर मेरा भाई नहीं हो सकता। बेटे जैसा है बोल बोलकर बेटा बना लिया आपने। I will not accept this। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, शौर्य कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा अंश है। ये इस घर का बड़ा बेटा है, अपनी दादी का पोता है, तुम्हारा बड़ा भाई है, रुद्र लूथरा। काव्या, पापा, ये रुद्र है मेरा छोटा भाई। नहीं काव्या, प्लीज मुझे भाई मत बोलो, आई मीन मुझे रुद्र मत बोलो, प्लीज काव्या। He's right.
इसे भाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये हमारा भाई नहीं है केडी, ये तुम्हारा भाई है। ये अपनी माँ के साथ अलग रहता है। What? माँ के साथ? हाँ, तुम्हारी माँ, काव्या की माँ, रुद्र की माँ। अच्छा, तो आप वहां तक पहुंच गए। पहुंचना पड़ा क्योंकि तुम सच छिपा रहे थे, इसलिए वहां तक छिपा रहा था मैं सच। मैं नहीं चाहता था कि आपको मां के बारे में कुछ भी पता चले। वो मेरी मां है, और क्या जानते हैं आप, आपने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी है। कुछ नहीं जानते मां के बारे में आप। क्या जानते हैं बरसों पहले क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ हमारे साथ, क्या तूफान आया हमारे जिंदगी में, हमने कैसे उन तूफान को फेस किया। कुछ भी जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते। तो क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस खून की बात कर रहे हैं? जो रिश्तों का खून करते हैं ना, उनके मुंह से खून की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मिस्टर करण लूथरा। राजवीर, यानी प्रीता जी सच में तुम्हारी माँ है? तुम लूथरा परिवार से हो? लूथरा सन? अरे नहीं हूँ कोई लूथरा मैं। अरोरा हूं मैं, अरोरा। सिर्फ पेपर्स पर नाम नहीं है मेरा, मेरा यही नाम है। मेरी माँ का जो नाम है वही मेरा नाम है, राजवीर अरोरा। मेरी माँ ने मुझे पहचान दी है। कल मेरी वो पहचान थी, आज मेरी वो पहचान है, और आगे भी मेरी वही पहचान रहेगी। सुन रहे ना आप, नहीं जानता आपको और नहीं जानना आपके बारे में। आपके जो ये घर, आपकी गाड़ियां रखी अपने पास, सब कुछ है ना आपके पास, मेरे पास मेरी माँ, और नहीं रहना मुझे इस शहर में। जा रहा हूं इस शहर से अपनी माँ के साथ। नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, नहीं जाने दूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? बोलो कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं अपनी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी यहां है इस घर में, हम सबके साथ, अपने परिवार के साथ। This is your family, damn it! ये जिंदगी मेरे पैदा होता ही खत्म हो चुकी थी, और नहीं आना आपकी जिंदगी में मुझे, और ना ही अपनी माँ को आने देना है। और मेरी माँ इस घर में कभी नहीं आएगी, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। कैसे लोग रहते यहाँ पर जो पीठ पीछे बातें करते हैं? अरे कोई किसी का अपना नहीं है, रिश्ते तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या पता है आपको मेरे बारे में? क्या पता है मेरी माँ के बारे में? कुछ नहीं पता है आपको। नहीं आना मुझे आपकी जिंदगी में, और ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर मुझे आपकी जिंदगी में, अगर मेरी माँ को आपकी जिंदगी में आना होता तो बरसों पहले हम आ चुके होते, लेकिन नहीं आए ना। कोई तो वजह होगी ना। क्या वजह है? बोलो। अरे बताओ मुझे क्या वजह है? Come on, राजवीर, tell me, क्या वजह है? नहीं, अगर मैंने राजवीर से बात की ना तो वो मुझे सही जवाब नहीं देगा, वो मुझसे लड़ेगा। एक डोर सुलझाने के लिए बहुत सारी चीजें उलझ जाएंगी। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि राजवीर मुझसे खुद को, प्रीता को और हमारे खून के इतने बड़े सच को क्यों छिपा रहा है। कमाल है, पूरे घर में लाइट आ रही है, बस मॉनिटर रूम की लाइट चली गई अचानक से। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ, पता नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, कोई कुछ तो गलत कर रहा है। बट ऐसा कौन कर सकता है? I mean, ऐसा कौन है जो तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाएगा? उसका क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ही उसका इरादा था। उसका एजेंडा कुछ और ही था, और ये सब उसने बहुत तरीके से प्लान किया, बहुत अच्छे से प्लान किया। हाँ,
मुझे भी ये लगता है, लेकिन वो जो भी हो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। शौर्य, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? तुमने पहने नहीं या कहीं निकाल दिए? बिना शूज के क्यों आ गए? नहीं नहीं, तुमने मॉनिटर रूम में जूते पहने थे। राजवीर, जब ये मॉनिटर रूम में आया था, कैसे गिरते पड़ते आया था, मैंने इसके जूतों की आवाज सुनी थी और नोटिस भी किया था। अभी जूते क्यों नहीं पहने हैं तुमने? I'm sure, इसने जूते कहीं उतार दिए होंगे। मॉनिटर रूम, मैं भी जाके चेक करता हूँ। Listen, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमसे बात कर रही हूँ शौर्य। क्या किया मैंने? अगर देखा जाए तो तुम एक लौते ऐसे इंसान हो जो नहीं चाहते कि मेरा और राजवीर का रिश्ता रहे। तुमने एक बार नहीं, कई बार मुझसे कहा कि राजवीर से शादी मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे दूर रहो। मेरे और राजवीर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था कि सब तुमने किया ना। हाँ मैम, मैं प्रीता को लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। हाँ, प्रीता लौट के आएगी तो इस घर का कुंडली भाग्य इस घर में लौट आएगा। हाँ मैम, सब आ गए, आपकी बहू, आपका पोता। आपको कब से इंतजार था ना कि आपकी बहू यहाँ इस घर में वापस आ जाए, आपका पोता यहाँ इस घर में वापस आ जाए। आ गए, दिल से चाहती थी ना आप ये दोनों वापस लौट आए। आ गए आप, लेकिन आपकी बहू यहाँ पर होते हुए भी घर पे लौट कर नहीं आई है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है, उसे तो कुछ याद ही नहीं है मामू, उसे तो पता ही नहीं है कि वो आपकी बहू है, इस घर की बहू, ये घर उसका, उसको तो ये भी याद नहीं है मामू, कुछ याद नहीं है उसको। और आपका पोता भी लौटा है मोहम, आपका बड़ा पोता रुद्र, वो भी है, लेकिन वो भी घर पे वापस नहीं लौट के आया। अब वो क्यों नहीं लौट के आया उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूंगा और मैं उसको लेकर आऊंगा। फिर आप ना उसके कान खींचकर उसको डांटना कि वो हमारे सामने होते हुए भी, हमारी नजरों के सामने होते हुए भी घर वापस क्यों नहीं आया अपनी माँ को। आप गहरी नींद में है ना, दवाइयों की वजह से मैं आपको ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ। I'm sorry. I'm sorry. आप आराम करो, आप आराम करो मैम। जवाब दो, हरकत राजवीर से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने के लिए तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की? क्या किया तुमने? राजवीर जैसे कपड़े पहन लिए, अपने मुंह पर मास्क लगा लिया, ड्रंक होने की एक्टिंग की, या फिर शायद सच में ड्रंक होकर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटिया हरकत की तुमने इतने सारे लोगों के सामने?
सिर्फ इसलिए ताकि मेरे और राजवीर के बीच में गलत फहमियां पैदा हो सके, राइट? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? शौर्य, ये तुमने बहुत गलत किया है। क्यों किया तुमने ये? हाँ? I'm really very upset. मैंने तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले मैं सबसे बोल रही थी कि राजवीर ने जो भी किया ना वो सही नहीं किया, वो बहुत गलत है। और तुम्हारे लिए बोल रही थी कि तुम सब मेरे शौर्य को बुरा भला बोलते, पर वो इतना बुरा नहीं है। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम लड़कियों की इज्जत नहीं करते शौर्य। क्या देख रहा है पलकी की तरफ? फिर नाती है तुझसे। अपनी इस घटिया नजरों से पलकी की तरफ देखना भी मत, समझे ना? इसके देखने नहीं देखने से मुझे हैरानी नहीं होती राजवीर, हैरानी मुझे इस बात की होती है कि इतने अच्छे परिवार का लड़का इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। तुम रियलाइज करते हो जब भी तुम्हें कोई देखता है ना तो वो यही सोचता होगा कि अगर इस घर का लड़का ऐसा है तो इसके घर वालों ने इसे क्या ही परवरिश दी होगी। तुमने आज मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान के दायरे को क्रॉस किया है शौर्य। और जो लड़का एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो अपने परिवार की क्या ही इज्जत करता होगा। और इससे उस लड़के का कैरेक्टर पता चलता है, ये पता चलता है कि वो इंसान है कैसा। तुमने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ना ताकि मेरे और राजवीर के बीच में गलत फहमी पैदा हो और हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, इसीलिए किया ना? आंसर दे। हाँ पलकी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और राजवीर का रिश्ता हो। मैं नहीं चाहता कि राजवीर और तुम्हारी शादी हो। I want you guys to break up. ये सच है। तुमने जो मेरे बारे में सोचा बिल्कुल सही सोचा। शौर्य, तुम जूते। क्या गाइस, ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? अरे यार, गलती से पानी गिर गया था जूते पे, तो मैं ड्राई कराने लेके गया था। हो गए ड्राई। थैंक यू। ये वो शूज तो नहीं है जो हम सब ने सीसीटीवी फुटेज में देखे थे? ये शूज तो कोई और ही है जो शौर्य पहन रहा है। ऑफ कोर्स ये वो शूज नहीं है, और ऑफ कोर्स उसने कोई और शूज पहने थे, पर मैंने जो कुछ भी बोला ना बिल्कुल सही बोला। शौर्य, वो सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ और साफ साफ बताओ कि जो लड़का पलकी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था वो तुम थे या नहीं? केडी, एक बात बताओ, अब ये सवाल पूछकर क्या फायदा? इल्जाम लगाने से पहले पूछा जाता है ना ये सवाल। पर नहीं, आप सबने तो मिलकर मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि नहीं तूने किया है, तू ही था, तू तू तू। तो हाँ, मैंने भी बोल दिया, पर इन सब बातों में ना एक बात मैंने 100% सही कही है कि मैं नहीं चाहता कि राजवीर और तुम्हारा रिश्ता हो पलकी। डे वन से कहता हूं, आज भी कहता हूं, राजवीर तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और इस बात का जजमेंट पास करने वाले तुम कोई नहीं होते हो। स्टे आउट ऑफ इट। चलो राजवीर, इसकी एक बकवास बात मैं सुनना नहीं चाहती। रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पलकी, पलकी एक मिनट। तुम कहां जा रही हो? हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? क्यों सबके सामने मुझे ब्लेम कर रही थी? सबसे पहले तुमने ब्लेम किया मुझे, और ये ब्लेम गेम की कहानी तुम्हारी वजह से शुरू हुई है। तुम्हें क्या लगा शौर्य लूथरा पे ब्लेम लगा दोगी? तुमने सोचा एक बार भी? क्या सोचना था? क्या हो गया तुम्हें? क्यों बात कर रहे हो ऐसे? तुम तो ऐसे बात करो जैसे सच में तुम राजवीर और पलकी के उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता तुम कैसे साउंड कर रहे हो? जैसे कोई इंसान गलत होता है और उसके मुंह पर उसकी गलती बता दी जाए ना तो उसे बुरा लगता है, उससे गुस्सा आता है। तुम एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहे हो। वाई? उन लोगों के सामने अलग ढंग से पेश आ रहे थे, अलग कुछ और ही बोल रहे थे, और यहाँ तुम कुछ और बोल रहे हो। तो मेरे सामने काले इंसान क्यों बन जाते हो? तुम समझ गई जो मैं तुमसे कहना चाहता था? नहीं शनाया, मैं वरुण के घर जा रही हूँ उसके पेरेंट्स से मिलने, तो तुम्हारा घर भी रास्ते में आएगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। चलो। हाँ चलो।
हाँ सैंडी, कहाँ है तू? बाहर आ रहा हूँ मैं। अरे सॉरी सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस रूम से आ रहे हैं। अरे सर, मैं यहाँ से गिरीश इज फाइन, किसी की कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। एक बात बता रही, राजवीर कहाँ है? आई मीन राजवीर और बाकी के लोग सब पार्टी कर रहे थे ना वहाँ पे लिविंग रूम में। ओह, मैं देख के आया, लिविंग रूम में कोई भी नहीं है इस वक्त। कहाँ हैं सब लोग? सर वो घर के दूसरी साइड में पार्टी कर रहे हैं, शायद वहीं होंगे। ओह अच्छा। सर आपको निधि मैम ढूंढ रही हैं। हाँ, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। थैंक यू गिरीश। ये होता कौन है जज करने वाला कि हम दोनों को साथ? पलकी, सर ओके, अब भूल जाओ सबको, जो जो हुआ वो हो गया। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यू सीरियस? तुम्हारे साथ इतना सब, मैंने तो पर इतने इल्जाम, तो तुम शांत कैसे हो? इतना बड़ा दिल कैसे है तुम्हारा? मैंने इतने सारे लोगों के सामने तुम पर इतने घटिया इल्जाम लगाए, तुम पर शक किया, तुम पर गुस्सा किया, और तो पर हाथ उठाया मैंने, तुम्हें थप्पड़ मारा। मुझसे नाराज होने की जगह मुझे कह रहे हो कि शांत हो जाओ, अंत भला तो सब भला। मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ भलाई नहीं की ना राजवीर। मैं कैसी पार्टनर हूँ? मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। मैं इतना भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाई कि वो तुम नहीं थे। और इट्स ओके, कह रहा हूँ ना, भूल जाओ सब कुछ। मैं तो उस फुटेज के बारे में सोच रहा हूँ, अगर वो लाइट नहीं जाती तो पता चल जाता कि वो कौन था। एनीवेज आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, कल देख लेंगे फुटेज।